आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव। आज आप लोगों को डाटाबेस टेबल में सभी प्रकार के जो डेटा टाइप्स होते हैं, फॉक्सो में जो भी आपके डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं, उन सभी डेटा टाइप्स को लेके एक टेबल को क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक है, आपके अलग अलग डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं, उन अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज एक ही टेबल में आप कैसे करेंगे। ठीक है, जनरली अभी तक की क्लासेस में आपने सिर्फ उन डेटा टाइप्स के बारे में देखा है जो कि नॉर्मली यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, समझने के हिसाब से आपके। लेकिन आज की क्लास में हम डेटा टाइप में जितने भी डेटा टाइप हैं आपके, सभी डेटा टाइप्स, सातों डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपका प्रयोग करके देखेंगे कि इनका प्रयोग करने पर किस तरह से टेबल का निर्माण होता है। ठीक है, और इसको किस तरह से हम देख सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इसके बाद इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करनी होगी हमको। ठीक है, ईएमपी, ठीक है, एम्प्लॉय नाम की हमने क्या कर लिया, एक टेबल को बना दिया है। ठीक है, इसको हम ईएमपी वन कर लेते हैं। ठीक है, ईएमपी वन नाम की हमारी डेटाबेस टेबल है। अब यहाँ आपको क्या करना है, फील्ड के नाम, टाइप, विड्थ, ठीक है, ये सारी चीजों को बताना है। सबसे पहला आता है आपका ईएमपी नेम। हम नेम बता देते हैं सबसे पहले कि भाई इंप्लॉय का क्या नाम है, ठीक है, जिसको हम लेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंतर्गत, जिसकी विड्थ को भी हम 10 ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ईएमपी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एज, एज के बारे में हम बता देते हैं, ये आपका होगा न्यूमेरिक। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 3 हम ले रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका ले लेते हैं एम, एम स्टेटस, एम स्टेटस हमने लिया है मतलब मैरिज स्टेटस। मैरिज स्टेटस आपका क्या है, इसको हम जानेंगे लॉजिकल डेटा टाइप के थ्रू। ठीक है, इसमें आप देखिए डेट ऑफ बर्थ और जो लॉजिकल डेटा टाइप है, इन दोनों डेटा टाइप्स में आपके जो विड्थ है वो फिक्स रहते हैं, इनकी विड्थ में आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें भी हम देख रहे हैं यहाँ क्लिक करने के लिए, यहाँ हमको टाइप करने की सुविधा मिल, लेकिन यहाँ हमारा टाइप करने की सुविधा ही नहीं मिल रही, वैसे लॉजिकल में नहीं मिल रही, लेकिन यहां करेंगे तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लेंगे बायो डाटा। बायो डाटा के लिए हम ले रहे हैं मेमो डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका फोटो। फोटो में हम लेंगे जनरल। ठीक है, मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से जी का यूज कर ले रहा हूं तो डायरेक्टली जनरल आ जा रहा है, एम का यूज किया तो मेमो आ जा रहा है, एल का यूज किया लॉजिकल आ जा रहा है। मीन्स आपका क्या करना है, सिर्फ एक शॉर्टकट की के थ्रू आप करना चाहते हैं, इस लिस्ट को नहीं ओपन करना चाहते हैं, जैसे आपको इस लिस्ट को ओपन नहीं करना है तो आपको ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उस की का सीधे, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर लिखना चाहता हूँ, सी का ये कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा मैंने दबाया तो नॉर्मल कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको मेमो करना है, मेमो कर दीजिए। ठीक है, या फिर आपको जनरल करना है, जनरल कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से अभी हमने इसमें फ्लोट को छोड़ा है, तो फ्लोट को अगर हम इसमें नहीं भी लेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक और फ्लोट आपका लगभग सेम काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें एंट्री करके देखते हैं किस तरह से इसमें एंट्री की जाएगी, किस तरह से इसको यूज किया जाएगा, ये करके चलिए देखते हैं। ओके करते हैं। ठीक है, इनपुट डाटा रिकॉर्ड्स नाउ। ठीक है, नॉर्मल सबसे पहला आपका कैरेक्टर की एंट्री करना है ईएमपी नेम के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने ले लिया नाम राहुल। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपका मंथ पहले काम करता है, देन डेट, डे, फिर इसके बाद ईयर। ठीक है, मंथ आपका मान लीजिए आपका 10th मंथ। ठीक है, 24 डेट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका 1997। ठीक है, तो 97 को ऑटोमेटिक ले लिया, अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये आपको 1997 लिख के दिखाएगा। ठीक है, एज मान लीजिए आपकी हो गई
22 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मैरिज स्टेटस। मैरिज स्टेटस में आपके जब एम स्टेटस का यूज करते हैं और लॉजिकल डेटा टाइप का यूज करते हैं तो ये सिर्फ आपका ट्रू और फॉल्स में काम करता है, ठीक है। और वाई आर एन यस और नो में भी काम करता है, लेकिन अगर आप वाई भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन वाई क्लियर को क्लिक किया था मैंने, ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं एन को क्लिक करूंगा तो यहाँ टाइप करूंगा तो देखिए फॉल्स को कर देगा, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स में आपका काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है बायोडाटा। बायोडाटा जो होता है, बायोडाटा को अगर आप देखना इसमें काम करना चाहते हैं तो बायोडाटा में आपको इसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेमो होता है ये एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो कि क्या करता है, बेसिकली आपकी एक स्वतः निर्मित फाइल का निर्माण करता है। स्वतः निर्मित फाइल होने के कारण इसमें आप असंख्य डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपनी किसी और इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे आप हॉबी के बारे में बताना चाहते हैं या फिर पास्ट में आपने क्या कहाँ कहाँ जॉब किया है ये बताना चाहते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों के बारे में बताना चाहते हैं आप यहाँ पूरी तरह से टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने और भी बेसिक डिटेल्स बताना चाहते हैं, जैसे बायोडाटा ही बताना चाहते हैं, बायोडाटा बताना चाहते हैं, नेम मान लीजिए, ठीक है। अब नेम आपने उधर दे दिया है, ठीक है, नेक्स्ट नेम इसमें बताना चाहते हैं या उसको बायोडाटा ना बताया कि जो चीजें आपने वहां छोड़ी हैं उन चीजों का आप बताना चाहते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, निक नेम ले लीजिए, ठीक है, राजू निक नेम है, ठीक है, फादर्स नेम, फादर्स नेम बताना है, ठीक है, ठीक है, फादर्स नेम बताना है, आप फादर्स नेम बता दीजिए, ठीक, मदर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बता दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप चीजें बताना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप आसानी से बता सकते हैं इसके अंतर्गत, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जितना भी लिखना है, जितना भी टाइप करना है वो टाइप करिए। इसके बाद आप इसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग कीजिए, ये डेटा आपको कभी भी यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि होता है आपका फोटो, जो कि जनरल डेटा टाइप है। जनरल डेटा टाइप को अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको डबल क्लिक करने पे क्या होगी, एक फाइल ओपन होगी, ठीक है, फाइल ओपन होगी। और अगर इस फाइल में आप कोई भी ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं, पिक्चर लाना चाहते हैं, फोटो लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस एडिट में जाके इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर लीजिए, अगर आपके पास कोई फाइल रखी हुई है कहीं, ठीक है, तो क्रिएट फाइल में जाइए, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ठीक है, क्रिएट फ्रॉम फाइल में सेव है आपकी, यहाँ जाइए। मान लीजिए आपको कोई पिक्चर पसंद है, उस पिक्चर को आप लगाना चाहते हैं, पिक्चर, ठीक है, सिंपल पिक्चर में हम जाते हैं, ये पिक्चर लगाना है। अगर आपको खुद की पिक्चर लगाना, फोटो लगाना होती तो आप उसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये करते देन इसके बाद ओके कर दिया, ये आपकी फोटो यहाँ आ गई। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक कर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक समय में सिर्फ एक ही चीज को आप यहाँ रख सकते हैं, या फोटो रख सकते हैं, या वीडियो रख सकते हैं, या ऑडियो रख सकते हैं, किसी भी चीज को। अगर हम ये करें, ठीक है, ये करते हैं, ये इस तरह से मान लीजिए हम म्यूजिक में जाते हैं, सिंपल म्यूजिक में जाते हैं, ठीक है, ये तो इस तरह से क्या होगा, ये देखिए वो आपको पुराना वाला जो फाइल था वो हट गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आपका यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप इसको सेव कर दीजिए, लेकिन अब इसको आपने सेव कर दीजिए या आप इसको सेव करते हैं तो इसको जैसे ही आप सेव करते हैं और ये मेन फाइल को भी सेव करते हैं, और अगर लिस्ट कमांड चला के देखेंगे तो लिस्ट कमांड में आपको मेमो और जनरल के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मेमो और जनरल को अगर आप देखना चाहते हैं तो एडिट कमांड का यूज करिए, उसके बाद ही देख पाएंगे आप, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं बायोडाटा को देखना चाहता हूं, तो बायोडाटा को मैं देखना चाहता हूं तो सिर्फ क्या करूं, लिस्ट बायो डाटा इसका यूज करूं तो मुझे इसका बायोडाटा के अंदर का मिल जाएगा। लेकिन आप
लिस्ट क्या बोलते हैं, आप अपना फोटो को लिखेंगे तो ये फोटो आपको नहीं दिखेगी। ये फोटो के अंदर का सिर्फ जनरल बताएगा, जनरल है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो एडिट पे जाइए, ये जनरल है, जनरल में क्लिक करिए। ये आपका इस तरह से एक म्यूजिक लगा हुआ है, म्यूजिक को आप यहाँ सुन सकते, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने डेटाबेस में काम करने के लिए यूज कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका एक डेटाबेस टेबल जिसमें हमने सभी प्रकार के डेटा टाइप्स का प्रयोग किया है, ठीक है। आप भी देखिए, इसको बना के देखिए, चला के देखिए, आसानी से बनेगा। ओके, थैंक यू।